नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त रोज की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2018, हफ्ते का जो है सेकंड लास्ट डे है, फ्राइडे यहाँ पर। और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पर हमने जनरल स्टडीज के 9 सब्जेक्ट्स का कोर्स डिजाइन किया है, जहाँ पर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं कवर और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक ही साथ आपको हो जाएगी। 300 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 350 से अधिक लेक्चर और डिटेल पीडीएफ, अनलिमिटेड टाइम रिविजन पॉसिबल है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिससे आप अपने आप को जांच पाओगे और हर महीने के नॉलेज को कवर करता हुआ मंथली करंट अफेयर का डोज मिलेगा आपको पीडीएफ के रूप के अंदर। तो ये जो कोर्स है आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले काफी बेहतर चॉइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिवीजन है वो काफी बहुत ही इजीली अवेलेबल है, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस करना और किसी भी वीडियो या पीडीएफ को अनलिमिटेड टाइम आप जो है देख या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं आपकी नजर लाना चाहता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। ये कोर्स जो है आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल सकता है। आपको पिछले एडिटोरियल के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी तरह इस एडिटोरियल में भी जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहां पर आपको कॉल करना है। वैसे आप हमारी वेबसाइट www.upscisexams.com पर जाकर जो है पूरे कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहां पर कॉल करके भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं कि रोड मैप किस तरीके से। वी विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोटो जिसे हम कहते हैं आज का मंत्र, देन वी विल सी द वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, और यहाँ पर देखेंगे फन फैक्ट यानी कि आज का ज्ञान, करंट अफेयर को कनेक्ट करते हुए दो ऐसे टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। देन वी विल एनालाइज द क्वेश्चन आंसर सेशन एट द लास्ट। बट यहाँ पर दो एडिटोरियल के डिस्कशंस होंगे, जो पहला है वो कनेक्ट करता है लो कमीशन ऑफ इंडिया को। तो लो कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको जो है ज्यादातर जानकारी होगी। तो इन्होंने जो है शील्डिंग विटनेसेस ऑन प्रोटेक्शन स्कीम, तो विटनेस जो होते हैं उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखे हैं। तो किस तरीके से इसके ऊपर जो है विचारने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, वो यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है कि विटनेस को जो है बहुत सारी भारत के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है कुछ एनालिसिस करेंगे। उसके बाद है ओपेक कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज ओपेक के, उन्होंने यहाँ पर अग्री किया है कि ऑयल प्रोडक्शन को कम करना है। तो यहाँ पर जो है पूरी एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से। तो इसके बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन, पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, एक नया सा क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स सी द मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे, दैट इज आज का मंत्र, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंस विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। अब पॉजिटिव सोचना भी है और पॉजिटिव सोचने के बाद उसको अमल में भी लाना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर जब आपके पॉजिटिव विचार जो है वो इम्प्लीमेंट भी होंगे तो यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस निकल के आएगी, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट निकल के आएगा वो होगा सक्सेस। तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोच के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें जीवन के अंदर। अपनी जो भी आपने पॉजिटिव सोचा है अपनी लाइफस्टाइल के बारे में उसको इम्प्लीमेंट करें, और यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस जब घूम के निकल के आएगी एज एन आउटपुट, तो आपको जो है सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेगा। तो यहाँ पर इसको एजुकेशन के साथ जो है बेहद अच्छी तरीके से अपने आप जोड़िए और इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी पढ़ाई के साथ में, और अड़े रहिए यूपीएससी को क्रैक करने के दृष्टिकोण से। हम हर बार इस चैनल के माध्यम से आपको कहते हैं कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यहाँ पर देखते हैं वोकैबुलरीज जो है इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश मतलब के साथ में दिए हुए, यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी दिए गए हैं, तो इनको जो है आप इंटरचेंज करके अपने आंसर को खूबसूरत बना सकते हैं। फियरलेस के लिए आप इंट्रेपिड वर्ड यूज कर सकते हैं यानी कि नीडर, संकोची यानी कि इंट्रोवर्ड के लिए आप माउजी वर्ड यूज कर सकते हैं, बिगड़ा हुआ मार्ड के लिए आप इम्पेयर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, गंभीर अब्स्ट्रूस के लिए आप रिकॉन्डाइट वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लोजनेस के लिए आप प्रोपिंक्विटी वर्ड यूज कर सकते हैं, रेनाउंस आविष्कार करना के लिए आप जो है एबनेगेट वर्ड यूज कर सकते हैं, माइल्ड यानी कि जो सौम्य है उसके लिए आप बाल्मी वर्ड यूज कर सकते हैं, अभिनिषेध करना यानी कि अबॉलिश करना हटा देना के लिए आप अब्रोगेट वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लोमनी यानी कि अपमान करना के लिए आप ओब्लोक्वी वर्ड यूज कर सकते हैं, और कैओस्टिक सिचुएशन यानी कि अव्यवस्था यानी कि जो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है परिस्थितियां, तो उसके लिए आप बेडलम वर्ड यूज कर सकते हैं। इसको आप आंसर में यूटिलाइज जरूर से करिएगा। आज का
ज्ञान, फन फैक्ट, करंट अफेयर। तो उड़ीसा जो है वो कई बार अब 3 से 4 दिनों से हमारे एडिटोरियल के अंदर जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर में आ जाता है। तो यहाँ पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो है उन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका नाम है पैठा। पैठा जो है ये एक क्रिएटिव वर्ड दिया गया है, एक एब्रिविएशन है, जहाँ पर अवेयरनेस जो है वेरियस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, इसके बारे में जो है लोगों को जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचाना इसका मकसद है। इसका जो एम है वो है कि हर इंडिविजुअल तक जो सोशल बेनिफिट्स कनेक्ट किए गए हैं योजनाओं के द्वारा वो उन तक पहुंचे। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पीपल एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक सब स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, अमा गांव अमा विकास योजना, उसके तहत ही पेठा काम करेगा। अब ये जो इनिशिएटिव है ये ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर हर महीने की 15 से 20 तारीख के बीच में कैरी आउट होगा और ये पहली बार होने वाला है 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2018। फिर हर महीने जो है 15 तारीख पर ये शुरू होगा, 20 तारीख तक ये चलेगा। एवरी मंथ जो बेस्ट पंचायत रहेगी ईच ब्लॉक की, उनको 5 लाख रुपए पेठा के तहत दिए जाएंगे और उसके बाद जो कंपटीशन है वो और ऊपर चला जाएगा। बेस्ट पंचायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो पंचायत जीतेगी, जो ब्लॉक जीतेगी, वो जाएगी स्टेट लेवल के ऊपर और यहाँ पर जो है अवार्ड्स मिलते जाएंगे। तो कार्य दक्षता, कार्य शैली को ध्यान में रखते हुए और जो ऑप्टिमम बेनिफिट हो सके वो उतने पहुंचे, उसके लिए ये पैठा जो है वो शुरू किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश और आगरा के बारे में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बियर्स, ये एनिमल वाले बियर्स की बात कर रहे हैं, ये 3 दिसंबर 2018 को यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पर ये 4 दिन कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि आज जो है इसका लास्ट डे है, 3rd, 4th, 5th और 6th। अब यहाँ पर जो है 4 डे कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर नॉलेज शेयर करेगी वेलफेयर ऑफ बियर एंड अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन जू सेंचुरीज एंड रेस्क्यू सेंटर्स। यहाँ पर जो है इसको होस्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ SOS इन कोलैबोरेशन विद बियर केयर ग्रुप फ्रॉम US एंड कैनेडा। तो भारत के अंदर बियर जो है इसकी पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर जो ठंडे कंट्रीज है वहां से लोग आएंगे US कैनेडा के और वो जो है सारी जानकारी यहाँ पर रिवील करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन और बियर केयर के बारे में जो है पूरे विचार विमर्श प्रकट किए जाएंगे और यहाँ पर 80 डेलीगेट्स आए हुए थे 11 कंट्रीज से, जैसे कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड, वियतनाम वगैरह। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन था वो काफी बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट था और यहाँ पर आशा करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव छेड़ा गया है उससे हमारे वाइल्ड लाइफ और मेनली जो है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो इंटरेक्शन होता है वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ अच्छे सॉल्यूशंस निकल के आए हो और जिसका एक फ्रूटफुल तरीके से जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो सकता हो। अभी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ चीजें यहाँ पर रिवील की है जुडिशियली सिस्टम को समझाने के लिए। कुछ केस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले जाते हैं, कुछ होते हैं स्टेट लेवल वाले और कुछ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर खेले जाते हैं, तो सेंटर के ऊपर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी तरीके का अगर केस है तो वहां पर जो है विभिन्न तरीके के विटनेस होते हैं। मेनली जो है इसके अंदर बात की गई है विटनेस के बारे में, विटनेस जो है वो तकलीफ में रहता है जब तक उसकी कोर्ट में गवाही हो जाती है और जो केस जो है वो कम्प्लीटली एंड अप नहीं हो जाता है तब तक जो है विटनेस का जीना, खाना पीना, आना जाना बहुत ही ज्यादा तकलीफदायी रहता है। तो इन विटनेस को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो यहाँ पर इन लोगों को तो कोर्ट का आदेश मिल जाता है कि आपको XYZ डेट के ऊपर, XYZ टाइम के ऊपर आपको कोर्ट में आके गवाही देनी है, लेकिन इन रियलिटी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ये जो है जुडिशियरी की फर्ज है कि उस विटनेस को जहाँ पर वो अवेलेबल है वहाँ से कोर्ट तक की ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाए, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब भी कोई
सिविल या क्रिमिनल तरीके का ऐसा केस होता है जहां पर बहुत ही भारी मात्रा के अंदर सजा जो है सुनाई जा सकती है, तो उसको जो है विटनेस को एक्सप्लोइट करने की कोशिश की जाती है, उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है, तो विटनेस जो है उनके रिगार्डिंग कोई सेफ टू सिक्योरिटी नहीं रहती। अब यहाँ पर और भी कुछ बात ही की गई है कि विटनेस को जो है सोशली मेंटली फिजिकली कोई ऐसे इश्यूज ना आए उसके लिए भी कोर्ट को जो है अपने जो है ऐसे निर्धारित किए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस रखने चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसा ना हो कि उनको कहीं पर भी जो है जॉब ना मिले या फिर वो सोशली जो है वो एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर जो है एज अ शील्ड फॉर विटनेसेस यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रकट किए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है और कैसी कैसी बातें हैं इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल के अंदर कुछ मसले नहीं है, लेकिन मैंने जो आपसे डिस्कस किया कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटल फिजिकल टॉर्चर के लिए, फिर उनको जो एक्सप्लोर किया जाता है उनको खरीदने की कोशिश की जाती है, अगर वो खरीदे जा सके ऐसे ना हो तो उनको जो है किसी और तरीके से खरीदने पैसे दे के खरीदने की या फिर जो है अंडर प्रेशर लाने के बाद उसको जो है अपना बयान बदलने की यहाँ पर जो है बात के ऊपर लाया जाता है। तो इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो विटनेस है उसके अंदर जब चाइल्ड हो या फिर कोई टीन एज हो या फिर अभी अभी जिन्होंने 18 साल कंप्लीट किए हैं या फिर कोई गर्ल चाइल्ड हो, गर्ल लेडी विटनेस हो जो उम्र में काफी कम उम्र के हैं, या फिर ऐसी महिलाएं हो जिनको इस विटनेस के रूप में कोर्ट ने देखना हो, तो उनको भी जो है एक स्पेशल तरीके की ऑफ ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उनके रिगार्डिंग उनके भविष्य के बारे में सोच समझ के कुछ यहाँ पर जो है कोर्ट को जो है अपने टर्मिनोलॉजीज के अंदर अप और डाउनग्रेड्स के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ऐसे यहाँ पर व्यू पॉइंट्स इनके द्वारा प्रकट किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है रियल टेस्ट होगा कि उनकी जो आइडेंटिटी है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सारे मसले यहाँ पर जो है वो पूरी जुडिशियल सिस्टम और विटनेस के साथ कनेक्ट किए गए हैं और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2006 के अंदर भी इससे पहले जो है इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर प्रकट की थी। तो इनसे जो है देखने को मिलता है कि अब तक जो है ज्यादातर यहाँ पर जो है चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अब आशा है कि कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव निकल के आएगा। ओपेक कंट्रीज की यहाँ पर 175वीं मीटिंग जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई 6 दिसंबर 2018 को। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने कहा है कि हम जो है 1 मिलियन बैरल पर डे यानी कि 1 मिलियन BPD जो है वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन काम करने वाले हैं, और रशिया अगर कंट्रीब्यूट करता है 1.5 लाख बैरल पर डे तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 1 मिलियन बैरल से बढ़कर 1.3 मिलियन बैरल पर डे का भी प्रोडक्शन कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से तीन ग्रुप है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के अंदर, एक है ओपेक कंट्रीज है, दूसरा है नॉन ओपेक मेंबर वाले, और जो तीसरा है वो है डोनाल्ड ट्रंप वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर मैं आपकी जो है नजर दो तरीके से लेके आना चाहूंगा। एक जो है आपने एक टाइम फ्रेम देखा कि जहां पर क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, और आज की अगर आप परिस्थिति को देखें, ये जो है दिसंबर के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आज जो है डॉलर के दाम 3 गुना तक कम हो चुके हैं, जो पीक पर पहुंचा था उस प्राइस से 1/3 प्राइस इसकी हो चुकी है। तो इसके पीछे जो है किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी रही है, इतने प्राइस बढ़ने का कारण और घटने का कारण क्या रहा, तो यहाँ पर पहली बात जो प्राइस बढ़े तो उस समय जो है दो रीजन थे, एक तो था ईरान के ऊपर लगा हुआ सैंक्शन, और दूसरी बात जो थी उस समय जब सैंक्शन था तो जो ईरान जिन कंट्रीज को जो है क्रूड देता था तो उनको जो है ओपेक से लेना पड़ता था, और ओपेक वाले जो है उस टाइम के ऊपर अपना प्रोडक्शन कम करके बैठे थे क्योंकि डिमांड और सप्लाई के रूल का जो है फायदा इनको उठाना था, और यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, इस लिहाज से इन लोगों ने जो है वो क्रूड के दाम जो है बड़ा बढ़ा के बहुत बढ़ा दिए। अब जो है बाहर आप जो है 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो बहुत सारे
अलग अलग कंट्रीज है जिन्होंने खुद क्रूड ऑयल अपने देश से जो है वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। तो वैसे भी जो है ओपेक की मोनोपोली जो है वो कम ज्यादा स्पीड से होने लगी। अब जो है दिसंबर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ईरान को जो है कुछ 6 कंट्रीज को यहाँ पर छूट दी गई है ईरान से सामान यानी कि क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली परचेज करने की। तो ये जो पूरा सेटअप रहा जिसके अंदर जो है ईरान से कुछ लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर परचेज कर पाएंगे, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब ये जो मीटिंग थी ये काफी देर तक चली, सुबह 11 बजे से शुरू हुई, दो से ढाई घंटे तक ये मीटिंग चली। यहाँ पर इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड के जो पर बैरल प्राइसेस थे वो 5% जो है कम हो चुके थे मीटिंग के दौरान। उसके बाद यहाँ पर जो है 3% इम्प्रूव हुआ और 2% तक यहाँ पर मीटिंग खत्म होते हुए आया। अब यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और बढ़ाइए। अब अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात को यहाँ पर नहीं रखा जाता और इनका प्रोडक्शन ये और कम करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रशिया भी इतना अच्छा नहीं करता है, तो आने वाले वक्त के अंदर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दिन दुगनी रात चौगनी करने वाला हमारा देश जो है जो काफी ज्यादा क्रूड फ्यूल के ऊपर जो है उम्मीद लगा के बैठता है, तो हम लोगों के लिए जो है आने वाला वक्त और भी ज्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्गली खराब होने वाला है। तो हमारे जैसे नेशन के लिए जब ये लोग ऐसी टैक्टिक्स वाली स्कीम करते हैं जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई के रूल को मैचअप करने के लिए ये जो है घटे हुए भाव को, घटे हुए दाम को जो है ऊपर लाने की जो कोशिश के लगती है इन लोगों की, तो इनके अंदर जो है हमारी जैसी इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा पीसी जाती है। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम तो एक ग्रिक्सी ग्रुप में ही नहीं है, ओपेक और नॉन ओपेक की बात ही हमसे मत कीजिए। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका कहना है कि प्रोडक्शन आप जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाइए। मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल जो है डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन के हिसाब से एक इजीली और फ्री तरीके से मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है आप डिमांड और सप्लाई के बारे में जो है ऐसी गेम्स मत खेलिए। जितना ज्यादा आप आउटपुट लेके आओगे उतनी ज्यादा जो है वर्ल्डली ग्रोथ होगी। इनके जो साइकोलॉजी है उनके पीछे का कैलकुलेशन ये है। तो अब जो है यहाँ पर बात यहाँ पर अटकी हुई है कि रशिया जो है वो कितना यहाँ पर डे आउटपुट निकाल के देने वाला है। रशिया का जो अगर प्रोडक्शन ज्यादा आता है 1.5 लाख बैरल पर डे या फिर उससे भी ज्यादा, तो यहाँ पर जो है 1 मिलियन तक का यहाँ पर कट आपको देखने को मिल सकता है पर डे। तो देखेंगे कि रशिया जो है वो फाइनली क्या डिसाइड करके कहता है। वहां पर जो है व्लादिमीर पुतिन के साथ डिस्कशन उनके ऑथेंटिक डिपार्टमेंट की चल रही है। जैसे ही यहाँ पर कुछ नई डिटेल निकल के आती है आपको जो है इस चैनल के ऊपर सारी जानकारी मिल जाएगी। पिछले एडिटोरियल में हमने आपसे पूछा था द फर्स्ट ऑल फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, पुणे के अंदर हुआ है। मंजय कुमार ने सही जवाब दिया है। आज के प्रश्न का आप जवाब दीजिए और आपका भी नाम यहाँ पर दर्ज होगा। हु हैज क्लिंच इंडियाज फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मेडल इन अल्ट्रा रनिंग। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा अल्ट्रा रनिंग। और अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप जो है इसके बारे में सर्च करें, क्योंकि ये जो है स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और स्वदेशी जरूर से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा।